किसी ने क्वेश्चन पूछा है उनका स्टेशनरी का काम है किस तरीके से वो उसको ऑनलाइन ले जा सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं। देखिए स्टेशनरी की बात करके चलते हैं, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो कि इसी रिलेटेड के अंदर आती है, जहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम होता है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो भी ज़्यादा नहीं होता। मतलब आपको एक पेंसिल बेचनी है तो पेंसिल 2 रुपये की है, 5 रुपये की है, 10 रुपये की है। आपको पेन बेचना है 5-10 रुपये का है। तो अब 5-10 रुपये के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट खोल रहे हो और उसको डिलीवर कर रहे हो तो वो चीज़ फिजिबल ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप स्टेशनरी का काम थोड़ा बल्क के अंदर खेल सकते हो। क्या आपने इकट्ठे एक पेन का डब्बा मंगा लो, या फिर आप इकट्ठा कॉपी का बंडल मंगा लो, आप इस टाइप की चीज़ें मंगा लो। क्योंकि देखो कोरियर चार्जेस जो लगते हैं ना वो खा जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें सही है। आपने भेज दिया, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लिया, ये सारी चीज़ें आसान लगती है, पर बीच में जो कोरियर आ जाता है ना, जो लॉजिस्टिक आ जाता है, वो बहुत महंगा है। अगर आपने एक पेंसिल का डब्बा, मान के चलते हैं, मुझे नहीं पता आज के टाइम पे पेंसिल का क्या रेट हो चुका होगा, मैं जब छोटा हुआ करता जब पेंसिल ली थी मैंने लास्ट, वो शायद 3 रुपये की ली थी या 2 रुपये की ली थी, 3 रुपये की, 5 रुपये की हो गई, हो सकता है 20 रुपये की भी हो गई, पर मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो 3 रुपये की पेंसिल है जो कि आपको पड़ती है और आप उसको मान के चलते 5 रुपये का बेचते हो, 2 रुपये का प्रॉफिट। परसेंटेज वाइज ये नंबर बहुत बड़ा है, पर किसी ने अगर आपसे 10 पेंसिल मंगाई तो 10 पेंसिल में आपको 20 रुपये ही बचेगा, लॉजिस्टिक वाला आपसे 40-45 रुपये ले लेगा, गेटवे वाला आपका 2% ले लेगा। तो ये चीज़ फिजिबल नहीं है। आइदर आप लग्जरियस चीज़ें बेचो, 700 रुपये का, 800 रुपये का पेन, 1200 रुपये का पेन, कस्टमाइज चीज़ें बेचो, कस्टमाइज स्टेशनरी मतलब डायरी के अंदर आपका नाम लिखा होगा वहाँ पे आप मार्जिन खेल सकते हो, आप कैलेंडर्स कस्टमाइज कर सकते हो वहाँ पे आप काम खेल सकते हो, बल्क के अंदर जो मैंने आपको बताया, बल्क के अंदर इकट्ठे ही आपने पेन्स के डब्बे मंगा लिए कि आपको मिनिमम ऑर्डर 500 रुपये का करना है तभी डिलीवरी फ्री होगी, वरना डिलीवरी के चार्जेस दे दो, ऐसा भी कर सकते हो आप। तो इससे आप B2B अच्छे प्लेयर बन सकते हो, पर B2C के लिए स्टेशनरी और भी इसके रिलेटेड जहाँ पे इसी टाइप का सीन चल रहा है वो बहुत मुश्किल है अभी के टाइम पे फिलहाल के लिए।